हम भी वापस जाएंगे। बच्चों, इस कविता में एक गौरैया अपना घर पर्वत छोड़ दूसरी जगह जा रही है, पर अपने संगी साथियों का साथ छूट जाने का ख्याल उसे वापस अपने घर लौटा लाता है। ये कविता अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहने का संदेश दे रही है। आबादी से दूर घने सन्नाटे में निर्जन वन के पीछे वाली ऊंची एक पहाड़ी पर एक सुनहरी सी गौरैया अपने पंखों को फैलाकर गुमसुम बैठी सोच रही थी, कल फिर मैं उड़ जाऊंगी, पार करूंगी इस जंगल को, वहां दूर जो महके जल की शीतल एक तलैया है उसका थोड़ा पानी पीकर पश्चिम को मुड़ जाऊंगी, फिर वापस ना आऊंगी, लेकिन पर्वत यहीं रहेगा, मेरे सारे संगी साथी, पत्ते शाखें और गिलहरी, मिट्टी की यह सौंधी खुशबू, छोड़ जाऊंगी अपने पीछे, क्यों ना इस ऊंचे पर्वत को अपने साथ उड़ा ले जाऊं और चोंच में मिट्टी भरकर अपने छोटे पंख फैलाकर थोड़ी दूर उड़ी, फिर वापस आ टीले पर बैठ गई वो। हम भी उड़ने की चाहत में कितना कुछ तज आए हैं, यादों की मिट्टी से आखिर कब तक दिल बहलाएंगे, वो दिन आएगा जब वापस फिर पर्वत को जाएंगे, आबादी से दूर घने सन्नाटे में हम भी वापस जाएंगे। जो शब्द